हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अर्चना अपने टूटे फूटे घर में रसोई में रखे हुए कुछ डब्बों को खोल खोल कर देखती है। सभी डब्बे खाली होते हैं। ये देखकर वो खुद से कहती है, हे भगवान, घर में जो भी राशन था सबका सब खत्म हो गया। अब क्या करूं, क्या बनाकर खिलाऊं सबको। अर्चना इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर अर्चना का पति मानव आ जाता है और उससे कहता है, अर्चना ये लो, आज ये दलिया बना लो। मैं जानता था घर में राशन नहीं है, इसीलिए ये दलिया लेकर आया हूँ। जी ठीक है, मैं दलिया बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर अर्चना दलिया बनाने चली जाती है और कुछ देर में वो सभी को दलिया परोसती है। दलिया देखकर अर्चना की बेटी मोनी कहती है, माँ मुझे नहीं खाना ये बीमारों वाला खाना। बेटा आज कुछ नहीं था, मैंने यही बना दिया, खा ले बेटा पेट भर जाएगा। नहीं माँ मुझे नहीं खाना ये सब। आप कभी पनीर क्यों नहीं बनाती, कभी बिरयानी क्यों नहीं बनाती। अरे ये भी कोई खाना है, मुझे अमीरों वाला बढ़िया सा खाना खाना है। बेटा देखो ऐसे जिद नहीं करते, ना ही खाने का अपमान करते हैं। जो है खा लो, कल मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ से कुछ अच्छा बनवा दूंगा। ठीक है पापा, पर मैं थोड़ा सा खाऊंगी, सारा नहीं खाऊंगी। हाँ बेटा जितना खाना है खा लो। मानव की बात सुनकर मोनी आराम से दलिया खाने लगती है। ऐसे ही मोनी अपने घर में हर दिन बनने वाले सादे चावल और सूखी रोटी खा खा कर ऊब जाती है और एक दिन गुस्से में अर्चना से कहती है, माँ क्या है ये सब, मैंने कहा था ना मुझे ये सब नहीं खाना। आप मेरे लिए कभी अच्छा सा अमीरों वाला खाना बना कर दो ना। अरे एक दिन होता है, दो दिन होता है, आप तो हर दिन वही दाल चावल बस उबाल कर दे देती हो, नमक के सिवा कुछ होता ही नहीं। बेटा हम गरीब हैं, मुझसे और तेरे पापा से जो बन पड़ता है वो करते हैं, तब जाकर ये दो वक्त के दाल चावल और रोटी जुटा पाते हैं। बेटा जो मिल रहा है वो खा ले। नहीं माँ मुझे ये सब नहीं खाना तो मतलब नहीं खाना। अरे अमीरों के घर में देखा है, एक बार में खाने को दो से तीन सब्जियां होती हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक ही सब्जी को तीन बार खाया जाता है, वो भी उबले चावल के साथ। इतना कहकर मोनी गुस्से में पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन मोनी अपनी सहेली आंचल के घर चली जाती है और आंचल उससे कहती है, अरे मोनी तू चल मेरे साथ चलेगी। कहाँ जाना है। अरे मेरी माँ जहाँ काम करती है ना, वहीं की मालकिन के घर जन्मदिन की पार्टी है तो वहीं बुलाया है। माँ की मदद भी कर देंगे और बढ़िया बढ़िया खाने को भी मिलेगा। सच में हमें वहाँ वो बढ़िया अमीरों वाला खाना मिलेगा। हाँ मोनी वही वाला, चल चलेगी क्या। हाँ जरूर चलूंगी, दो मिनट दे बाल सही कर लूं। इतना कहकर मोनी जल्दी से अपने बाल ठीक करने लगती है और आंचल के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद आंचल और मोनी दोनों ही नीलम के घर पहुंच जाती हैं, जहां आंचल की माँ सुधा काम किया करती थी। एक बड़े से मेज पर मेहमानों के लिए ढेर सारे तरह तरह के पकवान बने रखे हुए थे, जिसे देखकर मोनी कहती है, अरे आंचल देख यहाँ पर कितना कुछ है खाने को, इतना बढ़िया खाना तो मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ यार मैंने भी कभी नहीं देखा, सच में बहुत लजीज लग रहा है। उन दोनों की बातें पास में खड़ा हुआ नीलम का बेटा क्षितिज सुन लेता है और कहता है, अरे ओ भूखी लड़की हो, ऐसे क्या टुकुर टुकुर देख रही हो खाने की तरफ, कभी खाना नहीं देखा क्या। देखा है ना, अरे हम तो रोज इससे भी अच्छा खाना खाते हैं, हम तो बस देख रहे थे कि जो खाना बना है वो हमें पसंद है भी या नहीं, या फालतू में ही सब बना है। क्यों सही कह रही हूँ ना मोनी। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा तूने, चल माँ के पास चलते हैं। इतना कहकर मोनी और आंचल वहाँ से भागकर सुधा के पास आ जाते हैं और काम में उसका हाथ बटाने लगते हैं। सभी मेहमान जब खाना खाकर चले जाते हैं, उनके जाने के बाद बचा हुआ खाना नीलम सुधा आंचल और मोनी को दे देती है और मोनी लबालब खाना खाने लगती है और खाते खाते कहती है, ये होता है खाना, वाह मजा आ गया, कितना कुछ है, आज तक जिसके बारे में सुना था वो भी आज खाने को मिल रहा है। हाय पेट भले भर जाए लेकिन नियत नहीं भरेगी मेरी। भर पेट खाने के बाद सभी लोग वापस से घर आ जाते हैं। घर पर जैसे ही अर्चना मोनी को खाना खाने को कहती है, तभी मोनी कहती है, माँ आज मुझे खाना नहीं खाना। पर क्यों बेटा क्या हुआ। अरे होना क्या है माँ, आज आपकी बेटी अमीरों वाला बढ़िया खाना खा कर आ रही है। अमीरों वाला खाना, पर कहाँ से। बताती हूँ माँ। इतना कहकर मोनी
अर्चना को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर अर्चना को गुस्सा आ जाता है और वो मोनी को एक जोरदार चाटा लगा देती है और उससे कहती है, तू पागल हो गई है क्या मोनी? अरे जब तेरे घर पर खाने को है तो तू क्यों गई वहाँ पर? अरे वो भीख में दिया हुआ खाना क्यों खाया तूने? भीख में नहीं दिया माँ, बल्कि जो बच गया था वही दिया है। अरे आप खुद तो मुझे वैसा अमीरों वाला खाना नहीं खिला सकती, और अगर कोई खिला रहा है तो आपको उसमें भी दिक्कत है। मोनी हम गरीब है पर लाचार नहीं, इतना तो कमा ही रहे हैं ना कि तुम्हारा और खुद का पेट भर सके। हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छा खिला रही हो, तभी तो भूख लगती ही नहीं है घर का खाना देखकर। देखो माँ, मुझसे नहीं खाया जाता हर दिन वो गरीबों वाला खाना। आपको बुरा लगे या अच्छा, मैं खाऊंगी तो बस अमीरों वाला खाना, फिर चाहे मैं कैसे भी खाऊं। इतना कहकर मोनी वहाँ से चली जाती है और अर्चना को उसकी कही बातों से बहुत दुख होता है। वक्त गुजरता जाता है और हर गुजरते दिन के साथ मोनी का अमीरों वाला खाना हर दिन खाने का लालच भी बढ़ता जाता है। ऐसे ही एक शाम जब मोनी अपने घर जा रही होती है, तभी वो रास्ते में देखती है कि एक बहुत बड़ी पार्टी हो रही है और वो अपने मैले से कपड़ों में उस पार्टी में खाने के लिए घुस जाती है और सभी की नजरों से बचती बचाती अपने लिए एक प्लेट लबालब खाने से भर लेती है। आई हो गरीब भूखी लड़की, तुझे मैंने अभी वहाँ से भगाया तो तू यहाँ आकर चरने लग गई। अरे अमीरों का खाना खाना है तो जा अपने माँ बाप से मांग, वो ला कर देंगे। ऐसे चोरों की तरह घुसकर दूसरों के खाने पर लूट क्यों मचा रही है? बेशरम कहीं की, अच्छा खाना खाने की औकात नहीं है तो खाना पाने की चाहत में यहाँ पर चली आई। उस औरत की बात सुनकर मोनी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो रोते रोते वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ शिते जाता है और कहता है, देखो तुमने उस दिन झूठ कहा, ये बात मैं जानता था पर मैंने कुछ नहीं कहा था। पता है हर दिन खाना जुटाने पेट भरने के लिए हर कोई कितनी मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है। खाने में शाही पनीर, चार तरीके की सब्जियां होना जरूरी नहीं है, पेट भरने को खाना होना जरूरी है, क्योंकि खाना कभी अमीर गरीब नहीं होता, खाना बस पेट भरता है। क्षितिज की बातें सुनकर मोनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वहाँ से सीधे वो अपने घर चली जाती है और रोते हुए अपनी माँ से कहती है, मुझे माफ कर दो माँ, जाने अनजाने मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि अमीरों वाला खाना खाने के लालच में मैं कितने गलत रास्ते पर जा रही थी। मैं अपनी हर गलती की आपसे माफ़ी मांगती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, पर आज मैंने और तेरे बाबा ने तेरे लिए अमीरों वाला खाना बनाया है, वो देख। मोनी जैसे ही अपनी नजरें घुमाकर देखती है तो मानव ने बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना जमीन पर चादर बिछाकर सजाया होता है। ये देखकर मोनी बहुत खुश हो जाती है। इस तरह गरीबों के घर अमीरों का खाना आता है। साथ ही मोनी को खाने की और कमाने वाले की कीमत भी समझ आ जाती है। अवनी और आंचल दोनों बचपन से बेस्ट फ्रेंड थी, जिनका खाना घूमना पढ़ना लिखना सब एक साथ में था। समय के साथ साथ अवनी का रिश्ता पक्का हो जाता है और शादी से कुछ दिन पहले आंचल अवनी के घर जाती है और जहाँ उसकी पहली नजर उसके भाई अमर पर पड़ती है, जो अपनी मुंह बोली बहन की शादी में उसके घर आया हुआ होता है। अमर को देखकर आंचल अवनी से बोलती है, ये कौन है? मैंने तेरे घर में आज से पहले तो कभी नहीं देखा। तू इसे देखेगी तब ना जब ये यहाँ रहता होगा। मतलब ये कि ये मेरी दूर की मासी का लड़का है और मेरा मुंह बोला भाई है। पर तूने कभी बताया नहीं इसके बारे में और ना ही मैं कभी इनसे मिली हूँ। मैं तो तेरे घर में सबको जानती हूँ। हाँ नहीं बता पाई क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि ये बंदर लंदन से यहाँ मेरी शादी में आएगा। हम बहुत छोटे थे जब मासी अमर को लेकर लंदन में शिफ्ट हो गए। ओ तो ये बात है। ये बोलकर आंचल अमर को देखने लगती है, जहाँ अमर कुछ मिठाइयों के डब्बे को लेकर अंदर रख रहा होता है। उसको अवनी के घर में काम करता देख कर आंचल अवनी से बोलती है, तेरा भाई कितना संस्कारी है। अच्छा तुझे कैसे पता? वो तो तू खुद देख लेना कि लंदन से पढ़ने लिखने के बाद भी उसमें इंडिया वाले सारे संस्कार हैं। तू बोलना क्या चाहती है? अरे मैं कुछ नहीं बोल रही, छोड़ ना तू, चल अंदर बैठ, फ्रेंड्स की लिस्ट बनाते हैं। इतना बोलकर आंचल जल्दबाजी में वहाँ से जाने लगती है कि उसकी टक्कर अमर से हो जाती है और अमर उसको गिरने से बचा लेता है।
और अपनी बाहों में भरकर उसे बोलता है, मोहतरमा जी जरा आराम से चलिए, शादी का घर है, अगर चोट लग गई तो एंजॉय नहीं कर पाओगी। मैं ठीक हूँ, तुम मुझे छोड़ सकते हो। ठीक है, छोड़ देता हूँ। ये बोलकर अमर उसको छोड़ देता है और आंचल नीचे जमीन पर गिर जाती है और उसे बोलती है, तुम पागल हो क्या? क्यों? पागल नहीं हो तो फिर मुझे नीचे क्यों गिराया? मैंने कहाँ गिराया, गिरी तो तुम खुद हो। डफर कही के छोड़ा क्यों मुझे, ना तुम मुझे छोड़ते ना मुझे चोट लगती। मैडम आपने ही मुझे बोला था कि मैं आपको छोड़ दूं, अगर आप ना बोलती तो मैं आपको हमेशा अपनी बाहों में ऐसे ही पकड़ कर रखता। इतना बोलकर अमर वहाँ से चला जाता है और अवनी उसको उठाकर अपने रूम में ले जाती है और उसकी कमर पर बाम लगाते हुए बोलती है, वैसे मेरे भाई के संस्कार कैसे लगे? बेटा मेरा मजाक बना रही है तुम? हाँ अच्छा जी, मेरी प्यारी बेस्ट फ्रेंड, अब तो मेरी ननंद बनने के लिए तैयार हो जा, अब देखना कैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी ननंद बनेगी और कैसे मैं तेरे छोटे भाई को अपनी उंगली पे नचाऊंगी। अच्छा मेरा भाई तुझे इतना पसंद आ गया? हाँ बहुत। इसी तरह दोनों दोस्त मिलकर हंसी मजाक कर रही होती है और अमर उनके रूम के बाहर की ओर से किसी काम से जा रहा था और उन दोनों के हंसने की आवाज सुनकर वो दोनों बेस्ट फ्रेंड की मस्ती को देखने लगता है और उन दोनों की मस्ती को देखकर अमर भी आंचल को पसंद करने लगता है, जिसके बाद अमर पूरी शादी में आंचल के आसपास ही रहता और उसको तंग करता। देखते ही देखते अवनी की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अवनी आंचल को गले लगाकर रोने लगती है और आंचल अवनी से बोलती है, छोड़ के जा रही है ना अपनी बेस्ट फ्रेंड को, अच्छा तेरे कोई देवर नहीं है क्या? नहीं, पर तू ये क्यों पूछ रही है? अरे यार अगर तेरा कोई देवर होता तो मैं उससे शादी कर लेती ना और तेरी देवरानी बन जाती, फिर शादी के बाद भी हम दोनों बेस्ट फ्रेंड साथ साथ रहते। पर तू तो मुझे अपनी ननद बनाना चाहती थी ना, फिर अब अपनी जेठानी क्यों बनाने की सोच रही है? अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गई थी, अच्छा तू जा, मैं तेरे मुँह बोले भाई को ना पटाने की कोशिश करती हूँ ताकि तू मेरी ननंद बन सके और शादी के बाद भी हम साथ में रहे। उन दोनों का ये ड्रामा देखकर अमर को हंसी आ रही होती है, साथ ही अपनी बहन को विदा करने पर उसको रोना भी आ रहा होता है, पर ये सब सुनकर अमर की माँ कुंती को गुस्सा आ जाता है और अवनी के विदा होते ही जब आंचल अपने रूम में जाकर अपने घर जाने के लिए सामान पैक कर रही होती है तभी कुंती आंचल के रूम में जाकर उससे गुस्से में बोलती है, ए लड़की मैं जब से यहाँ आई हूँ तुझे देख रही हूँ कि तू किस तरह मेरे बेटे पर डोरे डाल रही है, अभी भी बाहर मैंने तुझे देखा और तेरी सारी बातें सुनी है। आंटी जी आप गलत समझ रही हैं, मैं तो ये सब बस अवनी को हंसाने के लिए बोल रही थी। जितनी तेरी उम्र नहीं है ना उससे ज्यादा मैंने दुनिया देखी है और तू मुझे बेवकूफ बना रही है। पर आंटी बहुत हुआ तेरा आंटी का गान, अब जल्दी से सामान पैक कर और निकल यहाँ से, और याद रखना आज के बाद यहाँ आने की जरूरत नहीं है। कुंती आंचल को अकेले में बुरा भला सुना ही रही होती है पर अमर ये सब कुछ सुन लेता है और वो कमरे के अंदर आकर अपनी माँ से बोलता है, माँ आप कौन होती हैं आंचल को इस घर में आने से रोकने वाली, और आपको किसने बोला कि आंचल मुझ पर लाइन मार रही है? अमर अभी तू बच्चा है और तुझे यहाँ के तौर तरीके नहीं पता। माँ मैं आपकी नजरों में भी बच्चा जरूर हूँ पर मैं इतना भी ना समझ नहीं हूँ कि मैं ये ना देख पाऊँ कि आप किस तरह बिना किसी गलती के आंचल को भला बुरा सुना रही हैं। तभी वहाँ आंचल आकर बोलती है, अमर जी प्लीज आप मेरी वजह से अपनी माँ से बहस मत कीजिए, वैसे भी मेरी दोस्त अवनी थी जो अब इस घर से विदा होकर जा चुकी है तो मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आंटी जी वैसे भी मैं यहाँ से जा ही रही थी, आपको कहने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन अगर आपको मेरी किसी भी बात से बुरा लगा है तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। इतना बोलकर आंचल अपना बैग लेकर अपने घर चली जाती है और उसके जाने के कुछ दिन बाद अपनी पग फेरे की रस्म के लिए घर आती है और घर आते ही वो आंचल को कॉल करके उससे बोलती है, तुझे पता था ना कि आज मैं घर आ रही हूँ, फिर तू मेरे आने से पहले यहाँ क्यों नहीं आई? अरे यार वो मैं आ रही थी पर फिर मुझे कुछ काम याद आ गया तो मैं आ नहीं पाई, पर मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं तुझे तेरे ससुराल में मिलने जरूर आऊंगी। इतना बोलकर आंचल अवनी का कॉल रख देती है और अमर अवनी को उदास देखकर उसे सारा सच बता देता है और उससे बोलता है, मैं आंचल से प्यार करता हूँ
पर माँ आंचल को अपनाना नहीं चाहती। अवनी, अब तू ही कुछ कर सकती है। मेरे जाते ही इतना सब कुछ हो गया और मुझे आंचल ने कुछ बताया तक नहीं। तू मुझे ये बता कि तू आंचल को पसंद करता है या नहीं। तुझे मजाक लग रहा है? तेरी फ्रेंड से पहली नजर वाला प्यार हो गया था मुझे। ठीक है, तू फिर मासी के सामने ना जाकर मरने का नाटक कर। जैसे ही तू मासी के सामने मरने का नाटक करेगा ना, मासी अपने आप ही मान जाएगी। अमर अवनी के कहने पर बिल्कुल ऐसा ही करता है और अमर की जिद के आगे कुंती को हार माननी पड़ती है, जिसके बाद अवनी अपने भाई और अपनी मासी के साथ आंचल के घर जाती है और उसके घर वालों से उन दोनों के रिश्ते की बात करती है और उन दोनों का रिश्ता पक्का करवा देती है, जिसके बाद अवनी आंचल को गले लगाकर उससे बोलती है, तू मुझसे मजाक किया करती थी ना कि तू अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपनी ननद बनाएगी, देख आज तेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई तेरी ननद। जिसके कुछ ही दिन बाद अमर और आंचल की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद आंचल अमर और कुंती के साथ लंदन चली जाती है, जहां वो बिना किसी शिकायत के अपनी सास और पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।